हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है माइंड ऑफ जुगाड़ू। तो आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप एक सिंपल बोतल को, जो कि आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, इस बोतल को एक कूलिंग बोतल बना सकते हैं। जी हाँ, कूलिंग बोतल, जिसमें आप यूएसबी के चार्जर से अपने पानी को ठंडा कर सकते हैं। तो देख सकते हैं मेरे पास एक पेल्टर ब्लेड है। मैं इस पेल्टर ब्लेड की सहायता से आपको ये बोतल बनाकर दिखाऊंगा। और एक ये हीट सिंक हमारा जो आउटपुट में हीट जनरेट होगी उसको निकालने के लिए। तीसरी चीज हमारी ये सिर्फ और सिर्फ थर्मल पेस्ट। और ये चौथा है जो ये हमारा डीसी बक सर्किट है, जो कि 5 वोल्ट पर 8 वोल्ट और 9 वोल्ट कंट्रोल करता है। दोस्तों आपको बता दूं, सिंपली आपको करना ये है इट हीट सिंक पे आपको ये पेल्टियर मॉड्यूल यूज करना है। दोस्तों पेल्टियर मॉड्यूल का ये आपको कम वॉट का यूज करना है। अगर आप ज्यादा वॉट का यूज करोगे तो आप 5 वोल्ट यूएसबी से इसको नहीं चला पाएंगे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हमको स्टेप में जो लेना है वो ये थर्मल पेस्ट को यहाँ पर अप्लाई कर देना है। थर्मल पेस्ट को लगाते समय ध्यान रखें, जो सरफेस पे आप लगा रहे हैं वो सरफेस, यानी कि जिस बेस पे आप लगा रहे हैं वो क्लीन होना चाहिए। अगर क्लीन नहीं है तो आप उसे अच्छी तरीके से क्लीन कर लें। मैं आपको सलाह दूंगा आप एल्कोहल से क्लीन करें। एल्कोहल नहीं है तो आप पानी भी यूज कर सकते हैं ड्राई करके, ठीक है। दोस्तों देखिए, अभी ये मेरे पास जो मॉड्यूल है वो मॉड्यूल आप देख लें। ये पेल्टियर मॉड्यूल आपको अमेजोन पे या शॉप पर बड़ी आसानी से 50-60-70 रुपीज में अवेलेबल हो जाएगा। दोस्तों देखिए, इस तरह से इसका तरीका है ये लगाने का। आपको इसी तरह से इसको लगाकर थोड़ा सा अप्लाई करना है। थर्मल पेस्ट ज़्यादा यूज नहीं करना है। और आप इस वीडियो को देखते रहें, आप इस कूलिंग बोतल को बड़ी आसानी से बना लेंगे। तो दोस्तों आपने मार्केट में भी देखा होगा ये बोतलें फॉरेनर में, या आप ईवे पे सर्च करेंगे तो ये बोतल आपको ऐसी मिल जाएगी, जो कि काफ़ी कॉस्टली है। आई थिंक उसकी प्राइस जो है डॉलरों में है, जो कि 300 या 400 डॉलर अप्रोक्स है। और ये आपकी जो है ओनली 170 रुपीज़ में कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपके पास ये बोतल है तो 170 रुपीज़ में आपकी ये बोतल कूलिंग तैयार हो जाएगी। दोस्तों एक बात और बता दूं आपको, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए दोस्तों देखिए, इस सर्फेस को आप क्लीन कर लें। ज़्यादातर अगर आपके पास ये बोतल है तो ये सर्फेस क्लीन ही हुआ। अगर ये क्लीन नहीं है तो आप एम्पली पेपर से हल्का सा सर्फेस को क्लीन कर लें, ताकि इसकी एल्यूमिनियम का कॉन्टैक्ट इस पेल्टेड प्लेट के मॉड्यूल से कनेक्ट हो जाए, जिससे कूलिंग प्रॉपरली ट्रांसफ़र हो। दोस्तों आप देखिए, अभी सिंपली मुझे जो करना है, ये देखिए मैंने ये एक बोतल ली है। ये बोतल आपको इस साइज की लेनी है, जिस साइज की आप एल्यूमिनियम बोटल्स का यूज़ कर रहे हैं। आप कॉपर भी बोतल भी ले सकते हैं या स्टील बोतल भी ले सकते हैं, लेकिन ऑफिस में ले जाते समय ये वाली बोतल काफ़ी अच्छी लगेगी, कूल लगेगी, इसलिए मैंने इस बोतल का यूज़ किया। दोस्तों देखिए, अभी ये पेपर कटर से मैं इस बोतल को काट लेता हूँ। इस बोतल का इस तरह से हिस्सा काट कर इस बोतल के साइज का बनाना है, ताकि हम इस पेल्टियर प्लेट और हीट सिंक को कनेक्ट कर सकें। ये देखिए, ये मैंने काट लिया है। बहुत ही सिंपल स्टेप में ये आपको काम करना है। देखिए अभी ये देखिए, ये इस तरह कनेक्ट हो गया। आपको ध्यान रखें, ऊपर के दो सिरे पॉइंट में जो हैं वो आपको ज़्यादा रखने हैं और नीचे में एक ही रखें, क्योंकि हमें हीट ट्रांसफर भी करनी है, ठीक है। अभी मैंने इसमें फ़ैन नहीं लगाया है, क्योंकि ये कम वॉट का पेल्टियर प्लेट है। ये अप्रॉक्स 27-28 वॉट का जो पेल्टियर प्लेट है, अभी इस पर पेल्टियर प्लेट मैंने लगा दी है। दोस्तों ध्यान रखें, इसको लगाते समय ध्यान रखें बिल्कुल कि प्लस से प्लस और माइनस से माइनस हो। ये मॉड्यूल जो मैंने यूज़ किया है वो डीसी कन्वर्टर है, जो कि 5 वोल्ट से 7 वोल्ट आपको कर देगा। तो 5 से 7 वोल्ट आपका ये कर देगा। और अगर आप चाहें एग्जिस्टेबल मॉड्यूल लेना चाहें तो 5 से वो 9 से 12 वोल्ट भी कर देगा। तो
इसमें प्लस माइनस यानी निगेटिव और पॉजिटिव का ध्यान रखना है। पेल्टियर में प्लस आप जानते हैं प्लस रेड होता है और निगेटिव माइनस होता है। सिंपली आपको बैटरी प्लस माइनस में ये कनेक्शन कर देने हैं। ये देखिए मैं पेस्ट लगा के इसको कनेक्शन करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये मैंने मॉड्यूल में कनेक्शन कर लिया है। ये सर्किट लगाना बहुत जरूरी है वरना आपका यूएसबी चार्जर से ये प्रॉपर वर्क नहीं करेगा और आपकी बोतल कूलिंग नहीं करेगी। दोस्तों ये प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा है, आप इस प्रोजेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। 170 रुपीज़ में ये प्रोजेक्ट बहुत ही ऑसम प्राइस में आप घर पर बना लेंगे। देखिए दोस्तों अभी इसमें हमें करना ये है, ये भी मैं चेक करके दिखाता हूँ कि ये वर्क कर रहा है तो आप चेक कीजिए। ये मैंने ये देखिए अपना मोबाइल का चार्जर कनेक्ट कर दिया है और आप देख सकते हैं ये काम कर रहा है। देखिए इसकी आप ब्लू लाइट आप देख सकते हैं, इसमें ब्लू कलर की लाइट जल रही है। ये देखिए शायद आपको दिख नहीं रहा है लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें ब्लू कलर की लाइट ऑन हो गई है। ये देखिए और ये मॉड्यूल भी मेरा काम कर रहा है। ये देखिए ब्लू कलर की लाइट आप देख सकते हैं ऑन हो गई है और ये मॉड्यूल भी मेरा परफेक्टली काम कर रहा है। दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, ये जरूर चेक कर लें कि ऊपर वाले सरफेस पर जहाँ हम बोतल में कनेक्ट कर रहे हैं वहाँ कूलिंग होनी चाहिए और अदर सरफेस पर वो हॉट जंक्शन है। तो दोस्तों देखिए मेरे को इस तरह से ये बोतल मैंने फिक्स कर ली थी और इस तरह से मैं इस मॉड्यूल को यहाँ पर बेस में फिक्स कर दूंगा। अभी ये देखिए इसको इस तरह से बेस में फिक्स करने के बाद इस मॉड्यूल को आप चाहें तो फिल्म पेपर या टेप की मदद से आप इस केसिंग में फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें सिर्फ इस तरह से टेप या एम्पली पेपर का यूज करके इस तरह से इसमें लगा देना है। तो देखिए अभी ये मैं चार्जिंग सॉकेट का ये पॉइंट है यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ। आप चाहें तो पेपर कटर से मार्क कर सकते हैं, मैं सोल्डरिंग आयरन से मैं मार्क कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों अब आपको करना ये है, आपको हेयर ड्रायर का यूज़ करना है। आप चाहें तो हेयर ड्रायर का यूज़ कर कर थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि हेयर ड्रायर की कूलिंग हेयर ड्रायर की हॉट जो है काफ़ी ज़्यादा नहीं होती है तो उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो दोस्तों उसको आप इस तरह से चारों तरफ धीरे 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 घुमाकर हॉट ड्रायर से गर्म हवा को मारते रहें। इससे होगा ये जो हमारी बॉटल है ये इसमें फिक्स हो जाएगी और ये प्रॉपर तरीके से बिल्कुल फिक्स हो जाएगा जिससे ये मॉड्यूल आपका बिल्कुल भी निकलेगा नहीं। तो दोस्तों देखिए अभी ये मेरा काम हो गया, मैंने स्किप करके बॉटल काट दिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये देखिए आपका सेम इस तरह से ये हो जाएगा। देखिए दोस्तों तो अब लगभग हमारी बोतल ये तैयार है। तो सबसे पहले हमें इसमें करना ये है, हम इसको चेक कर लें कि हीट सिंक ऊपर से खुली है ताकि कूलिंग हो सके। अब देखिए मैं इसमें यूएसबी चार्जिंग लगाता हूँ और देखता हूँ ये काम कर रही है या नहीं, और अगर ये काम करती है तो ब्लू लाइट आपकी प्रॉपर जलेगी। ये देखिए ब्लू लाइट आपकी ऑन हो गई है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर watching.